ma'am, please give your reviews on what are the root causes of corruption in India and how we can remove corruption from smallest level. Okay, as per me, the root cause of corruption is because of the poverty in India. And there is a large difference between the higher income level and the lower income level. If we remove this distance between these two stages, then we can reduce this corruption, because everybody needs money and they want to save that money. So the root cause is because of the poverty. According to my opinion, root cause, the very root cause of for the corruption is poverty. Because of the poverty, person, anyone who wants to do something or purchase something, when they were unable to purchase or do anything, they find money, and if they do not have money, they start the corruption. Another thing, poverty and corruption is the main reason of maximum problems. Even according to my opinion, corruption is the main reason behind terrorism also. जो basic root है उसका reason है ये क्या है कि हमारा हम बहुत सारे awareness की कमी है ना, बहुत सारे rule ऐसे हैं जिसके कारण आम जनता को पता नहीं उसके कारण वो corruption का शिकार होता है. अगर हर एक system का बहुत अच्छे से हम अगर जाने तो इसका शिकार नहीं होंगे. भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ होती है उसमें अपन देखते हैं कि पारदर्शिता नहीं है किसी भी चीज में. जब कोई सा भी फंड हो, चाहे फंड का आवंटन ऊपर से हुआ हो या अधिकारी लेवल से हुआ हो, जब वो फंड ऊपर से नीचे आता तो रिड्यूस होता जाता है. क्यों? क्योंकि सभी को उसमें से 2% 5% सभी के अपने कमीशन बटे होते हैं, और उसके कारण जब वो नीचे आके ग्राउंड बेस पे वर्क होता है वो कितना होता है, एक्चुअल 60% नहीं हो पाता, और 40% क्या होता है, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. यदि हमें करना है तो सभी को पारदर्शिता करना चाहिए, इंटरनेशनल कंपनी या जो भी हो. बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस, पॉवर्टी, deterioration model of government, population are the some of the reasons which leads to the corruption in our country. I think the reasons for eliminating corruption should be, we should be honest to ourselves. Second, education. Education is a very important part. It makes people to divert toward moral values, to end up their everything in a good way, in a smarter manner, which should not be करप्शन हमसे शुरू होता है और हम पर जा करके खत्म होता है, क्योंकि जब हम करप्शन करना चालू करते हैं तो ये घूम फिर करके हम पर ही आता है. तो हम सुधरेंगे तो जल्द सुधरेगा. तो बहुत से कॉजेज है करप्शन के, जिसके कारण करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पर काफ़ी हद तक मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसका एक बहुत बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ. क्योंकि भारत में क्या है, कितने ज़्यादा कानून बना दिए जाते हैं पर उनका फॉलो कभी नहीं किया जाता है. कानून तो इतने ज़्यादा हैं कि आप कभी उनको फॉलो कर भी नहीं सकते. पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स होती है तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है कोई भी. रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है तो कोई भी सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो करप्शन अपने आप होता है. गुड मॉर्निंग सर, आई वांट योर रिव्यूज फ्रॉम व्हाट आर द रूट कॉजेस ऑफ करप्शन इन इंडिया एंड हाउ वी कैन रिड्यूस इट फ्रॉम स्मॉलेस्ट लेवल. देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार हमसे ही शुरुआत होता है. जैसे कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लो, अगर मुझे किसी से कुछ काम करवाना है तो हम ये सोचते हैं कि कम से कम समय में मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए. तो वहाँ पे मैं ये नहीं सोचता कि काम की क्वालिटी क्या है या वो कितने समय में, उसकी लीगल ड्यूरेशन क्या है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काम जल्दी से जल्दी हो. द मेजर प्रॉब्लम इज द नीड ऑफ द पीपल प्रेजेंट ओवर इन द इंडिया. द प्रॉब्लम इज दैट देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी आर सफरिंग फ्रॉम सिंस वी कैन सी अवर गवर्नमेंट सिस्टम और पॉलिटिक्स सिस्टम. इफ वी आर गोइंग फॉर समथिंग गवर्नमेंट वर्क देन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. So by giving extra money to the workers or by to the officers, we can easily get our work done. So this is the thing which citizens are forced to give the corruption to the people. So main problem ये है कि corruption इतने ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए तो इसलिए लोग जो है वो corruption का use करते हैं. अगर नहीं तो उनका जो work है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा adversely affect किया है. इसमें से भी main role है mostly politician का. वो अपने फायदे के लिए, फॉर देयर एडवांटेज, वो लोगों के, इंडिया के कॉमन पीपल का पैसा खाते हैं. एंड फॉर दिस इसको हमको इस चीज़ का असर देखने को मिलता है. और अगर इसको बेसिक रूट को अगर हम मिटाना चाहते हैं तो हमको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी. इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे. अगर अपन करप्शन कम करेंगे तो अपन 90 रुपये किलो प्याज नहीं खाएंगे. अकॉर्डिंग टू मी द पीपल आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन.
दे आर द वन हु आर करप्टेड फ्रॉम इनसाइड इज लाइक अ पैरासाइट बिकॉज ऑफ दैट आर रूट्स आर बिकम लाइक होल मतलब खोखली होती जा रही है वो दिन पे दिन जब हमारा बेसिक खोखला हो जाएगा तो उस पर हम इन फ्यूचर क्या बिल्डअप करेंगे सो इट्स करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसको हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो फिर एक एक पर्सन को उसके लिए प्योर करना पड़ेगा मीन्स एक एक जन को साफ होना पड़ेगा और जो कि काफ़ी मुश्किल काम है क्या अपने पेरेंट्स से तो अपने बेसिक लेवल पे स्टूडेंट को अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि हम कि पापा जो पैसा आप जो ला रहे हैं वो प्योर है कि नहीं है इससे हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी घर पे डिस्कशन होना चाहिए इसका सबसे बड़ा जो मेन जो हमारे बेसिक लेवल पे एक स्टूडेंट जो कर सकता है वो यही कर सकता है अभी फिलहाल टीचर्स से करप्शन के बारे में डिस्कस करना और क्लास में ये दोस्तों से डिस्कस करना कि क्या क्या सोर्सेस होते हैं कैसे हम इन्हें रोक सकते हैं दोस्त मतलब एज यंगस्टर्स हमें अपना मतलब नए नए स्टेप्स उठाने चाहिए बाकी